Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के मेजरमेंट के बारे में बता रहा हूँ. यहाँ पे मैं भौतिक राशियों के बारे में जानकारी दूंगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड ग्रुप डी, सीटीटी, टीटी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इसमें कि भौतिक राशियों से संबंधित प्रश्न आते हैं. यहाँ पे मैं आपको भौतिक राशि उनके मात्रक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड ग्रुप डी, ग्रुप सी, यूके ट्रिपल एस सी, यूके पी एस सी, सी टी ई टी, उत्तराखंड टी ई टी, यू पी टी ई टी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एस एस सी, रेलवे, बैंक, एन डी ए, सी डी एस, होटल मैनेजमेंट आदि एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए. और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेने के लिए 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. और मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स के मेजरमेंट मापन के संबंध में जानकारी दे रहा हूँ. भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है. भौतिक राशियाँ होती हैं वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है. वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं. जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि. ये सभी भौतिक राशियाँ होती हैं. भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं. पहले पे है अदिश राशियां. वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है. उदाहरण, दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब आदि. तो वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है. ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे चाल अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो जो अदिश राशि होती है उनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है. इसके उदाहरण है दूरी. दूरी में केवल परिमाण होगा, कोई दिशा नहीं होगी. दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो इनको अदिश राशि कहते हैं. सदिश राशियां होती है वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है. उन्हें सदिश राशियां कहते हैं. वो सदिश राशियां कहलाती हैं जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग तथा बल आघूर्ण. ये सदिश राशियां हैं. इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है. तो सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है. ये इनको सदिश राशियां कहते हैं, जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग तथा बल आघूर्ण. मात्रक, मैं मात्रक के बारे में बता रहा हूँ. वह प्रमाणिक माप जिससे तुलना करके भौतिक राशि का मापन किया जाता है मात्रक कहलाता है. जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, बल का मात्रक न्यूटन आदि. तो मात्रक वह प्रमाणिक माप होता है जिससे तुलना करके भौतिक राशि का मापन किया जाता है, वो मात्रक कहलाता है. जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड, बल का मात्रक न्यूटन आदि. भौतिक राशि एवं उनके मात्रक, यहाँ पे भौतिक राशि और उनके मात्रक दिए हुए हैं. राशि मात्रक पहले है. लंबाई का जो मात्रक होता है यह मीटर होता है. लंबाई का जो एसआई मात्रक है ये मीटर होता है. द्रव्यमान का किलोग्राम, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, जैसे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है पूछा जा सकता है, आवेग का मात्रक क्या होता है पूछा जा सकता है. तो जो कैंडिडेट्स फिजिक्स के टच में नहीं है या पढ़ाई के टच में नहीं है, कुछ और काम कर रहे हैं, वो अक्सर ये चीज़ें भूल जाते हैं. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बार बार इसे देखिएगा ताकि आपको ध्यान रहे. और जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको सभी पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे. तो यहाँ पे मैं आपको भौतिक राशि एवं उनके मात्रक के बारे में बता रहा हूँ. राशि मात्रक एसआई, लंबाई का मात्रक एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम,
समय का सेकेंड, कार्य ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक एसआई मात्रक है ये जूल होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, कोण का एसआई मात्रक रेडियन, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, दाब का पास्कल, राशि और मात्रक है, वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकेंड, आवृत्ति का हर्ट्ज, संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड, पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर, विद्युत आवेश का कूलाम, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारिता का फैराडे, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। इसके बाद है राशि मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, चाल का मीटर पर सेकेंड, ज्योति फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है ये ल्यूमेन, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स, प्रकाश तरंगदैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, प्रकाशीय दूरी का प्रकाश वर्ष। मैं एक बार फिर से आपको सभी भौतिक राशियां और उसके मात्रक के बारे में बता देता हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे। यहां पे हैं भौतिक राशि एवं उनके मात्रक। राशि मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, कार्य और ऊर्जा का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, तीव्रता का कैंडिला, कोण का रेडियन, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, वेग का मीटर पर सेकेंड, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकेंड, आवृत्ति का हर्ट्ज, संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड, पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर, विद्युत आवेश का कूलाम, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारिता का फैराडे, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। राशि और मात्रक हैं शक्ति का वॉट, शक्ति का एसआई मात्रक वॉट, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, चाल का मीटर पर सेकेंड, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स, प्रकाश तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, प्रकाशीय दूरी का प्रकाश वर्ष। नोट, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा मूल राशियां कहलाती है। तो ये क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं कि जैसे कुछ दो आपको राशि दे देगा, बताए फिर आपसे पूछा जाएगा दो और कौन सी मूल राशियां हैं। तो मूल राशि के बारे में बता देता हूं। मूल जो राशियां होती हैं ये होती हैं लंबाई, बहुत ही अच्छी जानकारी है। जो मूल राशियां होती हैं ये होती हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां एक बार फिर से बता देता हूं। लंबाई द्रव्यमान समय विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। तो ये सात मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको भौतिक विज्ञान में मापन जो मेजरमेंट है इसके संबंध में बताया है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां, सदिश राशियां क्या होती हैं, मात्रक भौतिक राशि एवं उनके मात्रक के बारे में, जो अलग अलग भौतिक राशियां और उनके मात्रक के बारे में बताया, और जो मूल जो राशियां होती हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा मूल राशियां होती हैं। तो इसमें मैंने आपको भौतिक विज्ञान में मेजरमेंट के बारे में, मापन के बारे में जानकारी दी है। जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड ग्रुप डी, ग्रुप सी, UK SSSC, UK PSC, CTET, TDE एग्जाम्स और रेलवे SSC बैंक आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। और मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।